चलिए आज शुरू कर रहे हैं। बैंक में जो रिकवरी होती है, बैंक में रिकवरी के कितने मोड हैं? देखिए, सबसे पहले बैंक में रिकवरी अपने ब्रांच के और बैंक के एफर्ट से होती है। और ब्रांच बैंक में एफर्ट्स जो होते हैं उसमें दो होते हैं, एक तो होता है बैंक का स्टाफ, दूसरा कौन होता बताइए? एजेंट, जिनको हम कलेक्शन एजेंट, रिकवरी एजेंट या कलेक्शन एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब बैंक से स्टाफ नहीं कर पाता तो वो किसको एंगेज करता है? एजेंट को। एजेंट भी अगर कुछ ना कर पाए तो कहाँ आ जाता है वो? सिविल कोर्ट में। और अगर सिविल कोर्ट भी ना कर पाए तो कहाँ जाता है? डीआरटी में। और डीआरटी ना कर पाए तो कहाँ जाता है? सर्विस। अब यहाँ पे ये जो तीन स्टेप हैं, इन तीन स्टेप में बाईपास आ गए। तीन स्टेप में क्या आ गए? बाईपास। और बाईपास किस तरह से आए हैं? वो सीधे जो बैंक है वो सीधे हो सकता है कि कहाँ चला जाए? डीआरटी पे चला जाए, या सीधे हो सकता है कहाँ चला जाए? सरफेसी पे। तो ये जो इंडिया में बैंकिंग का मैकेनिज्म है रिकवरी का, वो बैंकिंग का रिकवरी का मैकेनिज्म इस बेस पे है। अब यहाँ सर्टेन कंडीशन आती है, ये क्यों ऑप्शन बने हैं और क्यों ऑप्शन को बाईपास किस कंडीशन में करेंगे? देखिए, डीआरटी में क्या कंडीशन है? डीआरटी में कंडीशन है, अगर मोर देन 20 लाख का एनपीए अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? NPA. अगर मोर देन 20 लाख का एनपीए अकाउंट है तो ही आप डीआरटी में डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इस रूल पे स्टे लगा हुआ है। इस रूल पे क्या लगा हुआ है? स्टे लगा हुआ है। और स्टे जयपुर से लगा हुआ है, जयपुर हाई कोर्ट से लगा हुआ है। तो इस स्टे की वजह से अभी ये कंडीशन क्या है? 10 लाख वाली है, जो कि अर्लियर थी। आपकी बुक में भी 10 लाख लिखा हुआ है। तो डीआरटी में रूल है कि, मतलब बेसिकली क्यों आया रूल, कि जब बड़े बड़े लोन ख़राब होने लगे तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बाकी तो आप सिविल कोर्ट में ले जाओ, लेकिन जो अच्छे बड़े अमाउंट के हैं, बैंकों को रिकवरी मिले, उसके लिए डायरेक्ट प्रोविजन बना दिया क्या उन्होंने? डीआरटी। तो इसमें ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि ये 20 लाख आंसर करना है या 10 लाख आंसर करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है। तो हमें 10 लाख आंसर करना, वो देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रॉपरली देख लेना कि उसमें कोई लैंग्वेज या क्या है, क्या दी हुई है, ठीक है। अगर 10 और 10 से सबसे नीचे होंगे तो डेफिनेटली 10 ही हो जाएगा। तो 10 और 20 में फिर थोड़ा देख लेना, ठीक है। लॉ में अमेंडमेंट आया, अब कोर्ट ये कहता है स्टे हो रखा है, तो स्टे होने का मतलब होता है कोर्ट वो फिर वो लॉ उतनी देर के लिए क्या होता है, डेफर्ड हो जाता है, हेल्ड कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अच्छा, डीआरटी की और प्रोविजन बाद में पढ़ेंगे, पहले अब आते हैं हम कहाँ पे? सर्फेसी में। तो सर्फेसी में कब आता है? सर्फेसी में बिना डीआरटी के जाए हुए आ सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस है। सबसे पहली कंडीशन है कि वो जो लो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मोर देन 1 लाख की होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1 लाख। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितनी है? 10 लाख। तो कौन सा लॉ अच्छा हुआ बैंकों के लिए? सर्फेसी, कि भाई 1 लाख वाले को भी लगा दे, ठीक है। अच्छा, सर्फेसी की एक बात और है कि ये केवल रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल टाइप के लोन में ही होता है, यानी एग्रीकल्चर में ये नहीं लगता। अच्छा। तीसरी बात है कि 20% लेस इफ आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 20%। अब आउटस्टैंडिंग से कौन सा समझ लो, आउटस्टैंडिंग का मतलब है हमने 10 करोड़ का लोन दिया, 10 करोड़ का अगर हम लोन देते हैं और वो बेचारा 9 करोड़ जमा कर देता है तो आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई? 1 करोड़। उस 1 करोड़ के लिए हम उसको सर्फेसी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत साफ थी, भाई जो 90% कर दे रहा तो उस पर नहीं वो करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई क्यों ये रिकवरी मैकेनिज्म बना, ये 20% तक आउटस्टैंडिंग में चीज़। हाँ, लो सेंक्शन लोन की, अगर सेंक्शन लोन की है 20% से कम लेस है तो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो जितना भी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के फॉलो होने के बाद क्या इसका प्रोसीजर है, क्या सारी चीज़ें हैं, अब हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या लेता हूँ? डीआरटी लेता हूँ। पहले क्या लेता हूँ? डीआरटी। चलो डीआरटी बुक खोल लो। डीआरटी की पहली बात है ना, खोलो जल्दी, आगे 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 और आगे और डीआरटी है यहाँ पर।
ये है, ये तो डी आर टी में इसको ऐसे कर लो। एक और वो कहाँ है हमारी वाली, चलो खोलो खोलो पेज नंबर 200 खोलो खोलो। हाँ खुला, नहीं 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 सरफेसी सरफेसी बाद में। चलो ये डी आर टी शुरू कर रहे हैं। डी आर टी आपकी यूनिट 28 में दिया गया और उसमें बोला हुआ रिकवरी ऑफ डेट, यानी इसकी खास बात क्या है कि आप केवल कर्जे का ही रिकवरी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ये नहीं कि सरकार का बिजली का बिल दिया और डीआरटी में चला जाए। कर्ज कर्ज मतलब जिसने आपसे पैसा लिया है, और देनदारियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्ज। कर्ज जो होता है उसकी डेफिनेशन ही होती पैसे का उधार, पैसे का उधार, ठीक है। तो जो उसने कर्जा लिया है उसी पर हो सकता है, इसीलिए उसने बोला डेट। और एक खास बात और बोली, ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये लॉ केवल बैंक और एनबीएफसी या और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई बार क्वेश्चन होता है आउट ऑफ दिस वेयर डीआरटी कैन नॉट बी अप्लाइड या वेयर कैन बी अप्लाइड, तो उसमें वो चार ऑप्शन में घुमा घुमा के देगा। बहुत ध्यान समझना ऑप्शन क्या है। कैन नॉट बी में तीन ऑप्शन भी क्या होंगे, एक तो बैंक हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, एनबीएफसी हो जाएगा, MFI हो जाएगा, और एक में लिख देगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिख देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे नहीं है ना, बाकी उस पे हम वही कह रहे हैं ना, बैंक और ये तो पता है नहीं, कुछ नाम ऐसे देता है कभी कभी। वो कभी बोल देगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिख देगा, वो वहाँ पे देखना जब ऑप्शन बनाता है उसके लिए। तो हाउसिंग फाइनेंस वाले जो फाइनेंस है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये अपनी अपनी समझ है ना, कि अगर समझ में आए तो ठीक है। तो अब ये कब एक्ट लागू हुआ, MBI क्या होगा, MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो भी वही होते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया ना बेसिकली, ठीक है। तो 1993 में, और इसका निकनेम क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बात समझ में आ गई। तो उस एक्ट में एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना। अब अगर ये बात करते हैं हम डीआरटी की, तो सबसे पहले कोई भी एक्ट जब होता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, देखते जाओ उसमें कहाँ वैलिडिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन से मतलब होता है कि वेयर इट विल बी अप्लाइड, मतलब कौन सा कोई ऐसी जगह भी है जहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। ये लेविट हो रहा था सब जगह ऑल ओवर इंडिया बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये खास बात है। कोई भी जब आप एक्ट पढ़ोगे तो कहाँ पर, एक्सेप्ट J&K, क्योंकि J&K क्या है, इंडिया का पार्ट, डिस्प्यूटेड स्टेट है। हाँ, मतलब अभी इंडिया का पार्ट उस सोवरेन उसमें नहीं है, ठीक है। इंडिया इज यूज टू क्लेम दिस, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी साल से वो कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो एक्ट हुआ है 24 जून 1993 से लागू हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ हो गया। हाँ, अब बात आती है कि इसका जो है, जो पहले के केस चल रहे थे उनका क्या हुआ। अब इससे पहले जो केस चल रहे थे उनका, बिल्कुल दे विल बी ट्रांसफर टू द डीआरटी विदाउट पेइंग ऑफ एनी फीस। जीएसटी में, तो सिविल कोर्ट में कोई केस आपका चल रहा था इस परव्यू में, मतलब इस रेंज में, तो इस रेंज में उसने जो है कि अमाउंट लिखा हुआ कहाँ पे, मोर देन 10 लाख। तो कहीं दिखता है, देखो जरा हाथ उठाओ, दूसरे को देखने तो तब ये लिखा हुआ डेट इज अबाउट 10 लाख, ठीक। तो क्या होगा सर, हम लोग मोर देन टेन लाख अगर होगा तो उसके उसमें जो है क्या करेंगे आप, वो करेंगे। चलिए, तो इसमें जब हमने एक्ट को डिफाइन कर दिया तो उसने बोला क्या है कि अबव डेट ऑफ रुपीज 10 लाख, ठीक है। और 10 लाख के बाद बोला एट प्रेजेंट देयर इज नो नोटिफिकेशन ऑन एनी अदर अमाउंट बट डेट लेस देन द रुपी 10 लाख, देयरफॉर द ज्यूरिसडिक्शन विल बी, अभी क्या हुआ, अपेंड। तो अभी नोटिफिकेशन से क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 20 लाख हुआ, लेकिन इसमें क्या है, स्टे चला हुआ, तो उसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक स्टे क्लियर नहीं होता। हाई कोर्ट का स्टे मीन्स कोई कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है एपीलेट रूपी,
देखो इसके डिसीजन से अगर आप कन्विंस नहीं है तो आप एपिलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, जिसका नाम है DRAT। क्या नाम है इसका? DRAT, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन वो है कि इसका एक सेट स्टैंडर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटेड डे क्या है, जब से ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ है। ट्रिब्यूनल मतलब एक्ट स्टैब्लिश अलग होना है, ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होना अलग होना है। चेयरपर्सन होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल का अपॉइंटेड पर्सन। यानी अगर मैं इसमें इस तरह बात करूँ कि DRT का बॉस जो है वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब पीठासीन अधिकारी, यानी जो उसको हेड कर रहा है। और अगर हम इसकी अपील करते हैं तो DRAT आता है। कौन आता है? DRAT। और DRAT का कौन है? वो चेयरपर्सन। अच्छा, होंगे कौन? बेसिकली कुछ जजेस ही लोग होंगे। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कौन हो सकता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब आता है बैंक की डेफिनेशन में क्या है। तो बैंक में जो है एवरी काइंड ऑफ बैंक इसमें शामिल है, इवन ठीक है। तो कहा है नेशनलाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स सब्सिडरी बैंक और ए रीजनल बैंक। ठीक है, क्लियर हो गई? अच्छा, कॉमनली बैंक कॉमनली नोन है जिस नेशनलाइज बैंक का। ठीक है, अच्छा चेयरपर्सन हो गया। अच्छा, अब अगला पॉइंट आ गया इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये कि डेट क्या होता है। देखो कई बार इसमें कहता है डेट एनी लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पेबल अंडर ए डिक्री। अब देखो डिक्री का मतलब जब कोर्ट कोई आदेश करता है भैया इससे 5,000 रुपये तो दैट फाइनल ऑर्डर That will be called decree. तो कोई कोर्ट की डिग्री will also considered as a liability of debt. ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेशन का कोर्ट और अदरवाइज एनी लाइबिलिटी पेबल अंडर ए मॉर्गेज और सब्सिस्टिंग ऑन लीगली रिकवरेबल ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी किसी भी तरह की ड्यूज जो है और वो होने किनके चाहिए? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई कोर्ट डिसाइड करे या कोई आर्बिट्रेशन से डिसाइड हो, वो सारी चीज़ें चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो वो सारे ही कवर्ड हो सकते हैं। अभी एक बात और बता दूँ, इन दो लाइनों में क्या खास बात है पता है? इन दो लाइनों में खास बात यह है कि सरफेसी में ओनली द सिक्योर्ड एसेट कैन बी रिकवर्ड। सरफेस खास बात आ गई हमें, क्योंकि सिक्योरिटी किसके लेंगे आप इसमें? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों DRT में। ठीक है, सिक्योर्ड है तो कोई ऐसा केस है आपके पास इसमें सिक्योरिटी नहीं है तो आप DRT में जाओगे। अगर वो उसको ये जो डिक्री वाला पॉइंट है ये किस रिस्पेक्ट में है? जैसे लोन एनपी हो जाता है उस रिस्पेक्ट में, जैसे लोन खराब हुआ आपने सिंपल कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने आदेश दे दिया हाँ भाई इनसे रिकवरी करा लो, तो वो भी ये क्या है डेट और वो नहीं दे रहा, उसके लिए आप DRT में जा सकते हो। अब फायदा क्या है DRT में क्यों जा सकते हो? क्योंकि DRT में एक बंदा बैठा रखा देखो, एक तो ये रिकवरी ऑफिसर। क्या बोला भाई पढ़ो, रिकवरी ऑफिसर मींस अ रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच ट्रिब्यूनल अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। दीज ऑफिसर आर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकवरी ऑर्डर पास बाई द ट्रिब्यूनल। तो उनके वहाँ एक तरह से मतलब पुलिस होती है, पुलिस मतलब जो जिनके पास पावर्स होती है। तो ये क्या चीज़ ख़त्म करी हमने? DRT की।